الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عيني هل لا تبكيان على ذنبي لقد تكاثر عمري عن يدي لا أدري حياتنا نفوس تعد فكلما مزى منها نفس فنقصت به جزءا أستغفر الله
أستغفر الله من لغزة بدت خالفت معناها وكيف أرجو من إجابات القبول لقد سددت بالذنوب عند الله مجراها. दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी कायनात के अकेले खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, पालिक भी हैं। मेरे अल्लाह जैसा कोई नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उस जैसा भी कोई नहीं है। अख्तियारात में यकता है, अलोहियत के बरियाई में यकता है, रबूबियत में यकता है, रब सानी है, कायनात को बनाने वाला है। ज़मीन अल्लाह ने बनाई है, कोई इंसान या सारे इंसान मिलके इस मिट्टी जैसी कोई और मिट्टी नहीं बना सकते। पत्थर पहाड़ जैसा पहाड़ पत्थर नहीं बना सकते, आसमान जैसा आसमान नहीं बना सकते, सूरज जैसा सूरज रोशन और मुनव्वर नहीं बना सकते, चांद सितारों जैसी चमक नहीं ला सकते। सारी दुनिया के इंसान ताकतवर मिल जाएं, दिन को रात में नहीं बदल सकते, रात को दिन में नहीं बदल सकते। सारी दुनिया के इंसान मिल जाएं, किसी को मरने से नहीं रोक सकते, किसी को ज़बरदस्ती दुनिया में पैदा नहीं कर सकते। लिहाजा ये मेरा अल्लाह है जिसने कायनात को अपने कब्ज़ा कुदरत में रखा हुआ है। लिहाजा उसकी बड़ाई यूं समझें कि इस ज़मीन को रब ने बनाया मशरिक मगरब शुमाल जनूब से। अगर आप देखने लगें तो आपको पता चलेगा कि वो रब कितनी बड़ा होगा जिसने इतनी बड़ी ज़मीन बिछा दी है। समंदरों को देखें तो पता चलेगा कि जिस रब ने इतनी गहरे और मीठे और कड़वे और गर्म और ठंडे पानी को बनाया है वो रब कितनी बड़ा होगा। जब आप पहाड़ों को देखते हैं, इनकी लंबाइयों को, इनकी गहराइयों को, इनकी बुलंदियों को, तो तब पता चलता है कि रब कितनी बड़ा होगा। मखलूक को देखने लगते हैं, ऐसी मखलूक भी अभी दुनिया में मौजूद है जिसको इंसान ने कहीं अभी नहीं देखा। कीड़े भी हैं, कछुए भी हैं, मछलियां भी हैं, पानी की, हवा की, फिजा की, सारी मखलूक को देख के पता चलता है कि इतनी मखलूक को बनाने वाला रब कितनी बड़ा होगा। इंसान को पैदा किया, फी अय्य सूरत माशा रक्कबक, हर इंसान को अलहदा चेहरा दिया, हर चेहरे में अलहदा कशिश रखी। किसी की नज़र में कशिश है, किसी की आवाज़ में कशिश है, किसी के अंदाज में कशिश है, किसी के रंगत में कशिश है, किसी के बोल में कशिश है, किसी की चाल में कशिश है, किसी की ढाल में कशिश है। जब आप एक एक इंसान की खूबियों को गिनेंगे तो पता चलेगा कि रब जिसने एक इंसान को बनाया वो कितनी अजीम और खूबियों वाला है। मर्द को अलहदा हुस्नो जमाल दिया, औरत को अलहदा हुस्नो जमाल दिया, जानवर को अलहदा दिया, ज़मीन को अलहदा दिया, वादियों को अलहदा दिया, सहराओं को अलहदा दिया, पहाड़ों को, आबशारों को अलहदा दिया। अब पता चलता है कि रब जिसने कायनात को इतनी हसीन बनाया है वो रब कितनी हसीन होगा और कितनी अजीम होगा। इतनी अजीम रब
जिसने अनगिनत तो मखलूक बना दी, अनगिनत उसने मलाइका बना दिए, अनगिनत उसने जिन्नात बना दिए, अनगिनत सितारे चमका दिए, वो रब अकेला कितनी बड़ा होगा। लिहाजा इतनी बड़ी जात फरमाती है कि मैं जब राजी होने पे आता हूँ, मैं अपने बंदे के मामूली अमल से भी राजी हो जाता हूँ। यानी छोटी सी नेकी भी अगर मेरा बंदा कर दे, बेशक मैं इतनी बड़ा हूँ, मेरा मुकाबला कायनात में कोई कर नहीं सकता। अगर रब चाहे जमीन सारी के पानी को कड़वा कर दे, कोई नहीं पूछ सकता। फिजा के ऑक्सीजन को बंद कर दे, कोई नहीं पूछ सकता। और वह जमीन के सारे निजाम को साके तो जामिद फरमा दे, कोई नहीं पूछ सकता। एक सांस जो बाहर आया उसको बाहर ही रोक दे, कोई नहीं पूछ सकता। पानी अंदर गया बाहर ना निकलने दे, कोई नहीं पूछ सकता। लिहाजा मेरे दोस्तों, अल्लाह इतनी कुदरत वाला है, ताकत वाला है, हशमत वाला है। वो फरमाते हैं कि जब मैं राजी होने पे आता हूँ, अपने बंदे के मामूली अमल को कबूल करके राजी हो जाता हूँ। एक बंदा मस्जिद के बाहर किल्ला लगा रहा था, किल्ला ठोक रहा था, एक ने लगा दिया, दूसरे ने निकाल दिया। लगाने वाले से पूछा, आपने क्यों लगाया? उसने कहा, मुसाफिर नमाज पढ़ने आते हैं, सवारी को खुला छोड़ते हैं तो नमाज में इंतशार रहता है, मैंने इसलिए लगाया था कि सवारी बांध के इत्मीनान से नमाज पढ़ ले। दूसरे ने निकाल दिया, तूने क्यों निकाला? इसलिए ताकि किसी नमाजी का इससे पाँव ना अड़ जाए। रब ने दोनों की नीयत को कबूल करके दोनों को सवाब अता फरमा दिया। मामूली अमल क्या है? आप किसी इंसान के रास्ते से एक रोड़ा पत्थर हटा दें, चाहे पाँव की एड़ी से ही हटा दें। रब्बे ज़ुल्जलाल फरमाते हैं, मेरा बंदा, तूने मेरे बंदों का रास्ता साफ किया और मैंने तेरे लिए जन्नत का रास्ता साफ कर दिया। इतनी सी नेकी थी जिससे रब राजी हो गया। तूने किसी इंसान को मुसाफा किया और सलाम में तूने पहल की और जरा मुस्करा के मुसाफा किया, रब फरमाती तेरे हाथ हाथों से जुदा नहीं होते, तेरी नजरें चेहरों से नीचे नहीं उतरती कि मैं रब दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता हूं। इतनी मामूली बातों से रब राजी होने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के आगे कोई पहाड़ों के बराबर अमल की अगर है, रब रद्द कर दे, कोई हैसियत ही नहीं है। रब राजी होने पे आए तो मामूली बात से राजी हो सकते हैं। मुल्तान में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। आप औलिया अल्लाह से तो निस्बत रखते हैं ना, मैं तो गुनहगार बंदा हूं। वली वो होते हैं जिनकी बात दिल में उतर जाए। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मनिल औलिया अल्लाह, औलिया अल्लाह की तारीफ तो बताएं। आपने फरमाया, इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, वो बोले या ना बोले, बस उनको देखो तो अल्लाह याद आ जाए। और याद रखो, वली ज्यादा इबादत से नहीं बनते, ज्यादा नेकियों से विलायत नहीं मिलती। कहीं आप समझे कि शब्बेदारी से विलायत मिलेगी, मिलती है उससे भी, क़यामुल लैल से या सायमुद दहर बन जाए। बल्कि जिनको विलायत मिली है, जो आज तक तजर्बे में बात आई है, वो गुनाहों से बचने से मिली है। उन्होंने अपने आप को गुनाहों से बचाए रखा, अल्लाह ने उनको वली बना दिया। क्योंकि गुनाहों से बचना भी तो नेकी होता है। तो ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े वक्त के वली गुजरे हैं। तुज्जार मुल्तान में इनका पहला नाम था। इनको किसी ने इतला दी कि आपका सामान जो आ रहा था तिजारत वाला, बहरी जहाज गर्क हो गया। मुराकबा किया, दिल की तरफ ध्यान किया और फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर किसी ने आके इतला दी कि पूरा का पूरा सामान बच गया। फिर मुराकबा फरमाया और फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों सूरतों में अल्हम्दुलिल्लाह फरमाया। तो किसी ने कहा
कि जब आपको गम की खबर मिली तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, जब आपको खुशी की खबर मिली तब भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, इसकी वजह तो बताएं। फरमाया इतनी बड़े नुकसान की इतला मिली तो मैंने दिल को देखा कि मेरे दिल पे इसका कोई असर तो नहीं पड़ा, तो पता चला मेरा दिल तो रवा दवा अल्लाह की याद में मशगूल था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि शुक्र है अल्लाह का मेरे दिल पे कोई असर नहीं पड़ा। फिर जब मुझे खुशी की खबर मिली तो फिर मैंने दिल को देखा तो मेरे दिल पे खुशी का भी कोई असर नहीं था, और उसी तरह मामूल में मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा था, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ये है दुनिया से बेनियाजी। जैसे कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दिन अर्ज करने लगे, या बारी तआला मुझे वो बंदा आप दुनिया में मिलवाएं जो जन्नत में मेरा हमसाया हो। इसमें दो बातें थी, एक बात तो ये थी कि मैं किसी जन्नती को दुनिया में देख पाऊंगा और दूसरा खुद को भी जन्नती होने पे यकीन आ जाएगा। तो रब्बुल जलाल ने फरमाया कि जुनैद फलां पहाड़ के दामन में एक बंदा बकरियां चरा रहा है, वो जन्नत में आपका हमसाया है। वहां चले गए, 3 दिन छुपे रहे, देखूं इसका कौन सा अमल है जो रब्बुल जलाल ने कबूल फरमा रखा है। तो देखा सीधा साधा मुसलमान था, नमाज वक्त पे पढ़ने वाला था और बकरियां चरा रहा था। करीब गए, सलाम किया, तआरुफ करवाया और फरमाया कि वो अमल बताओ कि जिसकी वजह से तुम जन्नत में मेरे हमसाए हो। तो वो बंदा रोने लगा कि मेरे पास तो कोई अमल नहीं है, मैं बेकार बंदा हूँ, बकरियां चराने वाला हूँ, मैं कौन सा अमल आपको बता सकता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया ज़ाहरी अमल तुम्हारे पास नहीं है, वो मैंने देख लिया है, होता तो मुझे भी समझ आ जाता, अलबत्ता तेरे पास कोई बातनी अमल मौजूद है, वो मुझे जल्दी से बताओ कि वो कौन सा है। तो उस चरवाहे ने बताया कि अगर मेरा रब इस पूरे पहाड़ को सोने का बना के मेरे हवाले कर दे तो मेरे दिल के ऊपर राई के बराबर भी खुशी का असर नहीं आएगा, और अगर वही पहाड़ पूरा सोने का जो मेरे मिल्क में आ चुका है वापस ले ले, पत्थर बना दे या राख कोयला कर दे, तो इसके छिन जाने से और दूर हो जाने से मेरे ऊपर कोई गम का असर नहीं पड़ेगा, मेरा दिल अल्लाह की याद में मुसलसल लगा रहेगा। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया ये तकवा है, इसको काबू रखना, और इसी की वजह से रब तेरे ऊपर राजी हुआ है और तेरा घर और मेरा घर जन्नत में साथ साथ है। तो ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास मुरीदीन आए और कहने लगे कि हजरत दुआ फरमाएं कि कोई रहमत की बारिश आसमानों से आए। एक दिन सलातुल इस्तिस्का पड़ी, बारिश नहीं आई, अगले दिन पड़ी नहीं आई, तीसरे दिन पड़ी नहीं आई। तो रात को ख्वाब में इशारा हुआ कि फलां घर में एक खातून है, अगर आप उसके पास चले जाएं तो वो दुआ कर देगी तो अल्लाह रहमत की बारिश नाजिल फरमा देंगे। तो मुरीदीन से कहा कि चलो भी फलां मोहल्ले में जाना है। मुरीदीन ने एतराज किया, हजरत उस मोहल्ले में तो बदकार लोग रहते हैं, आपका क्या काम। उन्होंने कहा नहीं हमने जाना है। उन्होंने कहा फलां घर में जाना है। उन्होंने कहा वो तो फाहिशा और बदकारा खातून का घर है। उन्होंने कहा मुझे तो हुक्म हुआ है मुझे ले चलो। जब वहां पहुंचे तो वो औरत बाहर आई दुपट्टे में लिपटी हुई, हया और शर्म में, जानता पहचानता नहीं हूं, जो इन बादलों से ऊपर रहती है मैं तेरी मदद चाहता हूं, मुझे इस भेड़िए जालिम से बचा ले, मेरे रेवड़ को भी बचा ले, और हां मैं तेरे से वादा करता हूं अगर तेरी बकरियां होंगी तो मैं सारी जिंदगी गुलामी करूंगा, उनको भी चराऊंगा। तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा या किसी फरिश्ते को भेजा, जाओ मेरे बंदे ने मुझे पुकारा है, मेरे से मदद मांगी है, भले मुझे जानता नहीं है पहचानता भी नहीं है लेकिन इसने मुंह तो ऊपर किया है चेहरा, लिहाजा मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली है, और भेड़िए को खत्म कर दो। और जब भेड़िया खत्म हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ फलां जंगल सहरा में चले जाओ, मेरा बंदा है, मुझे पुकारा है, मैंने मदद की है, अलबत्ता मेरा तारुफ नहीं है, आप खुद चल के जाओ और मेरे बंदे को जाके मेरा तारुफ करा के आओ कि मैं कौन हूं। काफिर था,
एक हिंदू था, हिंदू भी बड़े अकीदतमंद होते हैं, अल्लाह को मानने वाले हमारे पास भी आते हैं, लिहाजा हजरत जकरिया बहाउद्दीन जकरिया रहमतुल्लाह अलैह उस फाइशा औरत से जब पूछा तो उसे ये कहा कि जब तेरे से एक दुआ का वादा है वो तूने क्यों नहीं अभी मांगो, अभी तक क्यों नहीं मांगी? तो उसने कहा कि वो मैंने इसलिए रखी हुई है कि मेरा पेशा गलत है, कि जब मरने लगूंगी अल्लाह से गुनाहों की तौबा कर लूंगी और अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा लेगा। और वो तो वैसे रब का सबके साथ वादा है, मेरे साथ भी वादा है, आपके साथ भी वादा है कि जब कोई तौबा करे रब्बुल जलाल उसको मुआफ फरमा देते हैं। इस फकीर को एक मरतबा काबतुल्ला में एक आलम दीन ने यह मसला बताया कि काबतुल्ला वो मकाम है कि अगर इंसान यहां आके नमाज पढ़े तो 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है, और अगर नेकी भी करे तो 1,00,000 नेकी का सवाब मिलता है, और अगर यहां गुनाह करेगा तो उसका भी 1,00,000 गुनाह लिखा जाएगा। और काबा और मक्का वो जगह है जहां गुनाह का इरादा भी करो तो वो भी गुनाह लिखा जाता है, इरादा भी, जबकि मदीना मुनवरा या दीगर आलम जो है वो महफूज है सिवा काबतुल्ला के, कि उसको ये शर्फ हासिल है कि रब फरमाती है कि जहां कोई काफिर जा नहीं सकता मैं तुझे वहां ले आया हूं, अब यहां आके भी तू गुनाहों के इरादे करता है तो लिहाजा उस गुनाह का इरादा भी गुनाह लिखा जाता है। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने निवाला जमीन दस्तरखान पर रख दिया, मैंने कहा कि अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब मैं यहां प्रैक्टिस करूंगा जब तक मैं मक्का में हूं ताकि मेरी आदत पड़ जाए, ताकि मैं गुनाह का इरादा भी ना करूं। फिर बाद में मुझे तसल्ली हुई 3 दिन के बाद कि जब इंसान गुनाह कर भी लेता है, बड़े छोटे कर भी लेता है, और सच्चे दिल से रब्बे दुलजलाल के आगे आके तौबा करता है तो रब जब तौबा से किए गुनाह माफ फरमा देते हैं तो इरादे वाले गुनाह कैसे नहीं माफ हो सकते? तो फिर जाके इत्मीनान हुआ तबीयत के अंदर कि रब्बे करीम ऐसे गफूर रहीम हैं अपने बंदों के साथ कि रब्बे दुलजलाल से कोई तौबा करे तब माफी मिलती है, गुनाह पे शर्मिंदा हो जाए तब भी माफी मिल जाती है। तो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो तेरा मकसद था अकेले अपने लिए दुआ मांगने का, अब तो मखलूके खुदा का मामला है क्योंकि कहत पड़ गया है, अब तो दरिंदे भी शामिल हैं, परिंदे भी शामिल हैं, हशरातुल अर्ज भी शामिल हैं, पानी को तो सबकी सबको जरूरत है, बारिश की, दरख्तों को, पत्तों को, सहरा दरिया सबको जरूरत है, अब दुआ मांगो। उसने ऐसे हाथ खड़े किए और बारिश बरसने लगी तो हजरत मुड़ने लगे तो उसने कहा कि अब आप यहां से नहीं जाएंगे जब तक मुझे भी तौबा तैब करवा के नहीं जाएंगे, क्योंकि आप आए तो मेरा भी जिंदगी का रास्ता बदल गया। तो मेरे दोस्तों, इस बड़े प्रोग्राम में जो हमारा सालाना प्रोग्राम है खैरुल उलूम का, इस फकीर ने मौलाना साहब से ये कहा था, ये तो मुलतवी कर रहे थे, मैंने कहा मुलतवी ना करें इस अमल को, इसको जारी और सारी रखें ताकि जो बुजुर्गों के अमाल आ रहे हैं हम उसी की तबाह करेंगे तो हमारी भी कामयाबी और सुरखरोई होगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, मैंने ये आयत पढ़ी है, नेकी क्या है और गुनाह क्या है। नेकी ये दाएं तरफ वाला फरिश्ता लिखता है, हम मस्जिद में आए नेकी है, चलने लगे नेकी है, वुजू किया नेकी है, इंतजार किया नेकी है, खामोश बैठे नेकी है, अच्छी बात सोची नेकी है, अच्छी बात कर दी नेकी है, मुसाफा किया नेकी है, सच बोला नेकी है, हलाल खाया नेकी है, सखावत की नेकी है, कर्ज दिया नेकी है, माफ किया या उसे थोड़ा सा वक्फा दिया ये भी नेकी है, सिला रहमी की नेकी है, निकाह किया नेकी है, जिना छोड़ा नेकी है, शर्म अख्तियार किया नेकी है, हया में आए नेकी है,
आंख की हिफाजत की नेकी है, जबान की हिफाजत की नेकी है, कान की हिफाजत की नेकी है, हाथ पांव पेट और शर्मगाह की हिफाजत की ये भी नेकी है, वालदेन के एहतराम किया नेकी है, औलाद से शफकत से पेश आए नेकी है, दीन की तालीम दी नेकी है, नाम अच्छे रखे नेकी है, तरबियत अच्छी की नेकी है, कुरान की तिलावत नेकी है, ज़ियारत नेकी है। लिहाजा हर दीन का काम नेकी है और हर दीन का काम छोड़ देना गुनाह है। रोजा रखना नेकी है, तरावी पढ़ना नेकी है, सजदा देना नेकी है, तौबा करना नेकी है, काबे को देखना नेकी है, तवाफ करना नेकी है, अरफात में जाना नेकी है, कुर्बानी करना नेकी है, सदका देना नेकी है, ज़कात देना नेकी है, और मजलूम का साथ देना भी नेकी है। और उसके बाद मेरे दोस्तों ये नेकी है, और जो नेकी छोड़ेगा वो गुनाह है, इसका उलट गुनाह है। मकसद है निकाह नहीं करता, जिना करता है, निकाह तो नेकी है, जिना गुनाह है। सच बोलना था झूठ बोल दिया, सच नेकी था अब झूठ गुनाह है। लिहाजा इसका अपोजिट जो है मुखालिफ वो गुनाह है। हमने नेकी करनी है और गुनाहों से बचना है। ये दाईं तरफ वाला फरिश्ता और इधर किरामन कातिबीन दूसरा फरिश्ता, शुक्र अदा करो कि रब ने फरिश्ते लगा दिए तेरे मेरे आमाल को लिखने के लिए बैठे हैं। अगर ये भी हमारे जिम्मे लग जाता कि ये भी तूने काम करना है, फिर हमारे पास वक्त ही कहां बचता। देखिए एक आंख है, सुबह तलू होते ही गुनाह करने लग जाती है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैं अपनी नेकियां गिन के बता सकता हूं कि दिन में मैंने कितनी नेकियां की होंगी। चार नमाजें पढ़ ली होंगी या कोई तस्बीह कर ली होगी, दो नेकियां, दस नेकियां कर ली होंगी, आप भी गिन सकते हैं। लेकिन याद रखो, हम अपने गुनाहों को नहीं गिन सकते। हम इतनी गुनाह कर जाते हैं, आंख खुलती जाती है, देखने लगती है और गुनाह शुरू हो जाते हैं। कभी बदनजरी करते हैं, कभी गुस्से से देखते हैं, कभी इंतकाम से देखते हैं, कभी शहवत से देखते हैं, कभी बुग्ज और इनाद से देखते हैं, कभी इंतकाम से देखते हैं। एक आंख है बेशुमार, तो एक आंख के गुनाह जमा हो जाते हैं, जबान के गुनाह अलग जमा होते हैं, कानू के गुनाह अलग जमा होते हैं, पेट और शर्मगाह के गुनाह अलग जमा होते हैं, हाथ पांव के गुनाह अलग जमा होते हैं। ये गुनाह है जो इंसान आदी हो चुका है, अब गुनाह गुनाह लगते ही नहीं है। माहौल ऐसा बना दिया यहूद ने हनूद ने, क्या मुसलमान को गुनाह लगता ही नहीं है। इसके ऊपर मेहनत हुई है दुनिया के अंदर कि इतनी मेहनत करो कि मुसलमान को गुनाह गुनाह नजर ही ना आए। आज गुनाह गुनाह नजर ही नहीं आता। यह सबसे बड़ा अलमिया है कि बंदा हो, गुनाह करे तो उसमें शर्मिंदगी भी हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी, मुझे नमाज घर में नहीं पढ़नी चाहिए थी, मुझे तो मस्जिद में जाना चाहिए था, मुझे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। यह है असल, इंसान को फिक्र हो कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, गुनाह से मेरा अल्लाह नाराज होता है, छोड़ने से मेरा अल्लाह राजी होता है, नेकी करने से अल्लाह भी राजी होते हैं, अल्लाह के हबीब भी राजी होते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों ये फरिश्ता गुनाह लिखते हैं। पहले जमानों में पहली जो उम्मतें थी, जब वो गुनाह करती थी तो उनके गुनाह उनकी पेशानियों पर लिखे आते थे। जब घरों से बाहर आते थे तो उनकी पेशानी पे गुनाह वादे लिखा हुआ। अब वो जिस गली से गुजरता शर्मिंदगी मुंह नीचे कर लेता और लोग उसको मलामत करते, अच्छा तूने ये ऐब किया, तूने ये गुनाह किया। शुक्र करो नबी आखिर जमान की उम्मत में आए, पैदा हुए जिस रब ने वादा किया कि मैं आपकी उम्मत को रुसवा नहीं करूंगा। अगर ये न वादा होता तो हमारे आमाल उनसे कम नहीं थे, फिर उनकी सजाएं भी थी, सजाएं दुनिया में मुतय्यन थी, माफी का तस्वर नहीं था, सजाएं थी। सजाएं क्या थी कि उनके दरवाजों पे दहलीजों पे फरिश्ते लिख के चले जाते थे कि तुमने ये गुनाह किया, इसकी इसकी सजा ये है। ये तो इस उम्मत के ऊपर रब्बे करीम ने करम फरमाया कि तुम गुनाह भी करो तो वो ऐबों पे पर्दा डाल देता है, तौबा भी करो तो फिर माफ भी फरमा देता है। ये है मेरा अल्लाह।
ये फरिश्ता नेकी लिखने वाला, जब तुम नेकी का इरादा करते हो कि हमने खैरुल्लूम के जलसा में जाना है, 10 दिन पहले इरादा किया, 20 दिन पहले इरादा किया, 1 साल पहले इरादा किया कि मैंने बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है, मैंने आलिम बनाना है, मैंने हज करना है, मैंने रोजे रखने हैं, या 3 दिन जमात में देने हैं, या मैंने 40 दिन के लिए निकलना है, या मैंने 1 साल के लिए जमात में जाना है, किसी तरह की भी नेकी का जब तुम इरादा करते हो या जमात के लोग आके तुम्हें आमादा करते हैं, वे निकल नहीं सकते हो लेकिन इरादा तो कर लो, तब मुझे समझ आई ये बात कि जमात के लोग इरादों पे जोर क्यों लगाते हैं, इसलिए ताकि मुसलमान भाई हमारा इसके अजर व सवाब से महरूम न रहे। जब तुम नेकी का इरादा कर लेते हो तो रब्बे दुल जलाल इस फरिश्ते को हुक्म देते हैं, मेरे बंदे ने हज का इरादा किया, मकबूल हज का सवाब लिख दो, रमजान के रोजे का इसने इरादा किया, पूरे मकबूल रोजों का सवाब लिख दो, मेरे बंदे ने अगर जमात में निकलने का इरादा किया 30 दिन का, 40 दिन का, 4 माह का, 1 साल का, मेरे बंदे के अमाल नामे में मकबूल सवाब लिख दो। हाफिज कुरान बनाना था बच्चे को, मौत आ गई नहीं बना सका, हाफिज कुरान बेटे का सवाब इसके अमाल नामे में लिख दो। लिहाजा नेकी का इरादा उसका सवाब रब्बे दुल जलाल पहले ही लिखवा देते हैं। और जब इंसान इरादे वाली नेकी करने में कामयाब हो जाता है, जैसे हम प्रोग्राम में शामिल हो गए, इरादा था, तैयारी थी, रब की रहमत हमें यहां ले आई, हम खुद नहीं आए, रब की रहमत ने हमें यहां जमा कर दिया, हम एक दूसरे के सामने हैं, आप इस मजलिस को नहीं समझते, ये वो मजलिस है कि जब हम यहां से उठेंगे हमारा नाम अहले जन्नत की सफ में लिखा होगा। भले हमने जितनी गुनाह किए हैं, हम उस वक्त तक इस मजलिस को नहीं छोड़ेंगे जब तक रब्बे जलाल हमसे राजी नहीं हो जाएंगे इंशाअल्लाह। भाई दुनिया वालों को मनाना बड़ा मुश्किल है, औलाद बाप को राजी करे मुश्किल है, बेटा बाप बेटे को राजी करे बड़ा मुश्किल है, बीवी खावन को करे मुश्किल है, खावन बीवी को करे मुश्किल है, हमसाय को राजी करना मुतमैन करना मुश्किल है, बड़े जिम्मेदार को राजी करना मुश्किल है, आसान सिर्फ मौला को राजी करना है। रब फरमाते मैंने दरवाजे रहमत के खोल दिए हैं, मेरा बंदा बस तेरी इंतजार है, कब आके तू मुझे मनाता है, मैं राजी होने के लिए तैयार हूं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया और लड़की जल्दी से रब को राजी करो, ऐसा ना हो कि उसकी रहमत का दर बंद हो जाए, नसीहत की। आगे लड़की ने जवाब दिया कि जुनैद मुझे यह तो बताओ क्या मेरे रब का दरवाजा कभी बंद भी होता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया मैंने समझा कि मैंने इसको नसीहत की है, इसने तो उल्टा मुझे ही नसीहत कर दी है। जैसे राबिया बसरिया तवाफ कर रही थी, उन्होंने कहा किसके गुण गाती हो, काबे में यार के तस्करे करती हो, उन्होंने कहा जुनैद ये तो बता तू किसका तवाफ करता है, उसने कहा मैं काबे का तवाफ करता हूँ, उन्होंने कहा जा तू काबे का तवाफ कर, मैं तो काबे वाले रब का तवाफ कर रही हूँ। बात तो मार्फत की है, उन्हें कहा इस बात ने मेरे दिल को झंझोड़ के रख दिया, हिला के रख दिया, और मैं रोता हुआ चीखता हुआ बगदाद गया, पूरा 1 साल में तड़पता रहा, फिर सीने में इश्क की मोहब्बत की आग भड़का के जब मैं काबे में आया तो फिर मैंने काबे को भी देखा, काबे वाले रब को भी साथ देखा। तो मेरे दोस्तों हमने अल्लाह को मनाना है, यह फरिश्ता दाईं तरफ बैठा है नेकियां लिखने वाला। जब हम इरादे में कामयाब हो जाते हैं, नेकी कर लेती हैं, अब ये फरिश्ता पूछता है रब्बे दुल जलाल से, अल्लाह ये बंदा 5 मील 10 मील 100 मील सफर करके यहां पहुंच गया जिसके बारे में ये हुक्म है ला यश्का जलीसुहुम, अल्लाह इनके साथ बैठने वालों को महरूम नहीं फरमाते। एक फरिश्ता कहता अल्लाह एक बंदा बाहर से आया था, उसका काम कोई नहीं था, न जलसे में आया, न प्रोग्राम में, न जिक्र में, दुआ में गर्द ही नहीं थी, किसी बंदे से काम था, उसके बारे में क्या हुक्म है। रब फरमाते हैं मैं उससे भी राजी हो गया हूं, वो मेरे बंदों के करीब तो आ गया था, वो तो बहाने ढूंढते हैं। रात एक जगह फकीर का बयान था, मलका हांस पाक पतन से आगे, मैंने कहा रब ने जन्नत बनाई है सजाई है, सजाने के बाद अब उसको आबादी के लिए इंसान चाहिए, मलाइका तो उसके पास मौजूद हैं, हूरे भी मौजूद हैं, खिदमत के लिए खुद्दाम मौजूद हैं, अब इंसान चाहिए औलाद आदम जो उस जन्नत को जाके आबाद करेगी,
इसलिए रब की रहमत इतनी पुरजोश है, रब की मेहरबानी इतनी अजीम है कि वो बात बात में राजी होने के लिए तैयार है ताकि मेरे बंदे जल्दी से मुझे मना ले और ताकि मेरी जन्नत भरे और आबाद हो। छोटी छोटी बात से राजी होने के लिए रब्बे ज़ुल जलाल तैयार हैं, छोटे से अमल से ज्यादा ढेरों अजर देने के लिए तैयार बैठे हैं। जब नेकी करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो ये फरिश्ता पूछते हैं, या बारी ताला इसने बेटे को हाफिज बना दिया। पिछले दिनों कराची में एक बच्चे की दस्तार बंदी थी, वो था पाकिस्तान में सबसे पहले वजीर आजम जो बने थे, उस वजीर आजम का पोता था। बाप भी जिंदा है, दादा भी जिंदा है, पोता भी जिंदा है। अब लोगों ने उसके बाप को मुबारक दी और साथ दादे को भी मुबारक दी, तो वो दादा खड़ा हो गया 100 साल के करीब उम्र, उस रोने लगा। उसने कहा ना मुझे कोई हार पहनाए और ना कोई मुझे मुबारक दे, ये मुबारक मेरे बेटे को दो जिसका बेटा हाफिज कुरान बना है, ये उसको जन्नत लेके जाएगा बेटा। मेरा बेटा तो हाफिज नहीं है जो मुझे जन्नत लेके जाएगा, लिहाजा वो है जन्नती, मुबारक भी उसको दो। अब वो बेटा खड़ा हुआ, उसने कहा मेरी उम्र भले 70 साल से ऊपर है लेकिन मैं आज ऐलान करता हूं मैं कुरान पाक हिफ्ज करता हूं, रब जिसको चाहे, ये नेमत कुबरा है। 1 साल में उस बूढ़े ने कुरान पाक हिफ्ज किया और फिर तकरीब रखी, अपने बाप को बुला के ले आया, कहने लगा अब्बा जान इंशाअल्लाह ताला अब तो आप हार पहन लें, आपका बेटा भी हाफिज कुरान बन गया। 7 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक कुरान को हिफ्ज किया इस फकीर ने, दस्तारबंदी कराई है। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का इदारा है, अल्लाह इसको क्यामत तक आबाद उशाद फरमाए। तो जब हम नेकी करने में कामयाब हो जाते हैं, बच्चे को हाफिज कुरान बना देते हैं। एक बंदा मर रहा था, उसने बीवी को वसीयत कर दी, वसीयत भी सुन्नत है, तो वसीयत कर दी। क्या वसीयत है? कि जब मेरा बच्चा पैदा हो तेरे पेट से तो उसको हाफिज कुरान बनाना। वो फौत हो गया। अब वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने उस्ताद जी के पास पहुंचाया, उसने पढ़ाना शुरू किया, औज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो वो खातून किसी बुजुर्ग से कहती है कि आप मेरे खामंद की कब्र पे मुराकबा करके बताएं कि वो किस हाल में है। उनको रूहानी तौर पे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आपका खामंद ये कह रहा है कि जब मेरी बीवी ने मेरे बेटे को मदरसे में लेके गई और उस्ताद जी ने बिस्मिल्लाह की बे पे उंगली रखी, रब्बे ज़ुल जलाल ने उसी वक्त मेरे ऊपर से अजाब कब्र हटा दिया, उसी वक्त खलासी हो गई, अजाब खत्म हो गया। ये निजाम कुदरत। जब कोई बंदा अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में कामयाब हो गया, यानी हज कर लिया इरादा था, उमरा कर लिया इरादा था, कर्ज देने का इरादा था, वापस लौटा दिया, कर्जा माफ कर दिया, किसी भी नेकी का इरादा करने में कामयाब हो गया, तो अब ये फरिश्ता रब्बे ज़ुल जलाल से पूछता है कि या बारी ताला इस बंदे की नेकी तो आपने पहले लिखवा दी थी, अब क्या लिखना है? नेकी तो पहले लिखी गई। बारी ताला फरमाते हैं मेरे बंदे के आमाल नामे में 10 लाख गुना नेकी अजर और सवाब बढ़ा के लिख दो। इतनी इरादे वाली नेकी, कामयाब हो गया। अब दूसरा बंदा गुनाह का इरादा करता है, कल लूटूंगा, झूठ बोलूंगा, जुल्म करूंगा, कत्ल करूंगा, जिना करूंगा, ये किसी तरह के भी गुनाह का इरादा करता है, तो ये फरिश्ता रब से सवाल करता है या बारी ताला इस बंदे ने गुनाह का इरादा किया, हम गुनाह लिख दें? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे के साथ ज्यादती ना करो। करेगा तो लिखना ना, किया तो नहीं ना, इरादा है। अब इरादा है, हो सकता है मेरे अल्लाह की रहमत जोश में आए, तूने इंतजामात गुनाह करने के पूरे कर लिए, रब की रहमत जोश में आती है तो गुनाह से हट जाता है, गुनाह तेरे से दूर हो जाता है तो गुनाह से दूर हो जाता है, बीच में दीवारें आ जाती हैं, वसाइल टूट जाते हैं, तो गुनाह करने में कामयाबी नहीं होता। ऐसे भी फरिश्ते मुतय्यन हैं, इसीलिए कहते हैं उलमा और सुलहा ये दोनों महफूज अनिल खता होते हैं, अल्लाह इनको गुनाहों से बचाते रहते हैं, और जो अंबिया होते हैं वो मासूम अनिल खता होते हैं, अल्लाह इनको गुनाहों से बचाते हैं। हो सकता है मैं अपने बंदे को गुनाहों से बचा लूं, तुम खामखा गुनाह लिख दोगे, तो नहीं लिखा। अब कोई बंदा इरादा करने में, इरादा भी था, ख्याल नहीं था, इरादा था और इरादे में पुख्ता था, अब इरादा और इसबाब बन गए लेकिन अल्लाह का खौफ दिल में आया, गुनाह नहीं किया,
अब ये फरिश्ता पूछते अल्लाह इसने गुनाह नहीं किया, खुद छोड़ दिया। रब फरमाते इसको भी मकबूल नेकी लिख दो मेरे बंदे के आमाल नामे में। भी आपको हैरत होगी, हमारे जिम्मे गुनाह हैं जमीन से लेके आसमान तक जो हो नहीं सकते। हर तरह के गुनाह जमा है, हर तरह की बुराई जमा है, हर इंसान में जमा है। कुल्लु नास खताउन, हर तरह के गुनाह जमा है। लेकिन जब हम अपने रब एज़ुल जलाल से परवरदिगार से कहते हैं अल्लाह मेरी तौबा है, या कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, जब कहते हैं तो रब एज़ुल जलाल सारे गुनाहों को माफ फरमा के फिर उन्हीं गुनाहों की मिकदार में इंसान के आमालनामे में नेकियां भी साथ लिख देते हैं। यानी तौबा में फायदा तो देखिए आप, अगर हम तौबा करें तो उसका फायदा तो सोचे कितनी फायदा है। एक तो गुनाह गए, दूसरा उन गुनाहों के बराबर रब्बुल जलाल नेकियां भी अता फरमा दे तो और क्या चाहिए। रब को मनाने में देर किस चीज की है। शैतान को खुश करते हो, रहमान को खुश नहीं करते। नफ्स को खुश करते हो जो सीने में है, और वो सज्जन जो मदीने में है उसको खुश नहीं करते। वजह क्या है, तुम कैसे सियाने अकलमंद लोग हो, दाढ़ियां कटवाते हो इससे तुम्हारा नफ्स खुश है, और तुम्हारा दुश्मन शैतान भी खुश है, और इसको कटवाने से तुम्हारा सज्जन मदीने वाला नाराज है, और कहते हो हम गुलाम हैं, गुलाम हैं रसूल के, गुलाम हैं, गुलामी है रसूल में, मौत भी कबूल है। किस तरीके की मौत कबूल है, दाढ़ी तो कबूल नहीं है, सुन्नत मुहम्मदिया से शरीयत मुतहरा से तो इनकार है, फिर किस चीज की गुलामी है। ये दो दिन की दस दिन की गुलामी नहीं, जब तक जिंदगी का आखिरी सांस है आका अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी कबूल कर लो और निजात इसी से मिलेगी। जन्नत जाना है नहीं जाना, आप सबने जाना है नहीं जाना, हाथ खड़ा करके बताएं जन्नत जाने वाले, मुंह पे फेरे ऐसे। मुंह पे क्यों फिरवाया है, दो वजह है। एक वजह यह है के जन्नती बन के जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते, जन्नत जाना है जन्नती बन के जाना है। जैसे तुम दूल्हा ऐसे नहीं ले जाते, दूल्हे को दूल्हा बना के निकलते हो, सामने घर वाले दुल्हन को दुल्हन बना के बिठाती हैं। भाई दूल्हा दुल्हन को ऐसी क्या खुशी मिल सकती है जैसी खुशी तुझे रब्बुल जलाल क़यामत के दिन जन्नत का परवाना हाथ में दे के मिलेगी। भाई जन्नत जाना है तो जन्नती बन के जाना है। अल मरउ मा मन अहब, जिससे प्यार करोगे उसके साथ जन्नत में जाओगे। मैं बताता हूं जन्नत का रास्ता, जन्नत तुमने जाना है, रास्ता मैं बताता हूं। जन्नत का रास्ता मदीने से जाता है, मेरे महबूब के कदमों से जन्नत के दर खुलते हैं। इत्तेबाए मुस्तफा से रब जन्नत देंगे। रब्बुल जलाल ने बता दिया है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, जो तुम्हारा नहीं है वो मेरा भी नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा है जिसने हमें जन्नत का हकदार बना रखा है, जिसकी वजह से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। और मैंने यह भी अल्लाह से अर्ज किया, बारी ताला मेरा एक लाड मान लो, मैं आपका अदना सा बंदा हूं, मेरा लाड है क्योंकि मेरा ताल्लुक आपसे है, मेरा रिश्ता आपसे जुड़ा हुआ है, मेरा बंधन अपने रब के साथ है। क्यों, मेरा अल्लाह मेरा महबूब भी है, मतलूब भी है, माशूक भी है, सब कुछ मेरा अल्लाह है, तो मैं अल्लाह से ये लाड क्यों ना करूं। बेटी बाप मां से कर लेती है, बेटा बाप से मनवा लेता है, शागिर्द उस्ताद से मनवा लेता है, दोस्त से मनवा लेता है, तो मैं अपने सच्चे दोस्त रब्बुल जलाल से लाड क्यों नहीं मनवा सकता। मेरा लाड ये है कि अल्लाह जन्नत तूने तो देनी है, हमें जन्नत वो देना जहां आमना का लाल मौजूद हो। आपको ये शर्त मंजूर है ही नहीं है, हाथ खड़ा करें जो आमना के लाल के साथ जन्नत जाना चाहते हैं, ऐसे मुंह पे फेरें। ये इसलिए फिरवाया है कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत जाना है तो कैसे जाएंगे, इस हुलिये में जा सकते हैं, इस हुलिये में जा सकते हैं। अल्लाह अकबर, एक सहाबी रसूल के चेहरे पे एक बाल था, किसी ने कहा खींच दो, उन्हें कहा तुझे एक नजर आता है, मुझे महबूब की पूरी सुन्नत नजर आती है। बात तो मोहब्बत की है, बात तो अकीदत की है, बात तो जज्बे की है। भाई जन्नत के दो हिस्से ऐसे हैं, एक हिस्सा वो है जहां रब्बुल जलाल का दीदार जुमा के जुमा होगा,
जिस हिस्से में मेरे तेरे महबूब होंगे वहां रब्बे दुल जलाल का दीदार रोजाना सुबह भी होगा और शाम को भी होगा। इसको जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। मैंने आपको तैयार किया जन्नत के लिए, ठीक है। जन्नत जाने के लिए पहला फैसला यह है कि अपने रब को मनाए। जो मालिक है वो घर में आने दे तो उसकी मर्जी है, ना आने दे तो उसकी मर्जी है। जन्नत का वो मालिक है, मैं नहीं हूं, तू भी नहीं है। ये ना फैसले करना जो मर गए हैं, ये तो जहन्नमी था, पता ही नहीं है कि तू ये सोचता रहे वो जन्नत में चला जाए। किसी बंदे को गुनाह में देख लिया, सारी जिंदगी के लिए मुतनफिर हो गए कि मैंने उसको गुनाह में देखा था। तुझे पता है वो रात आधी को उठा और रब को मना लिया हो और तेरे जैसे लाखों उसकी कदमों की खाक को ना मिल सके। जाहिद निगाहे कम से किसी रिंद को न देख, शायद कि उस जात को तू है कि वो पसंद। पता नहीं वो किस वक्त अपने बंदों से राजी हो जाए। लिहाजा मेरे दोस्तों, जन्नत जाना है, जन्नत के उस हिस्से में जाना है जिसको जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। वहां आका अलैहिस्सलाम का दीदार भी हमें होगा और रब्बुल जलाल का दीदार भी हमें होगा। लिहाजा हमारा लाड है, अल्लाह से हमने मनवाया है। मैं आपसे इल्तजा करता हूं, जब रब हमारी मानते हैं तो आप रब की क्यों नहीं मानते? हम वो लोग हैं, किताब में लिखा हुआ था कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की नहीं मानते। कुरान को मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। लिहाजा शख्सियात अल्लाह को, अल्लाह के हबीब को तो मानेंगे, उनके अहकामात को नहीं मानेंगे, फिर किस चीज के मुसलमान हैं हम? दो दिन की जिंदगी दुनिया में मिली है, इस दिन में एक दिन सख्ती का आ जाए, कहते हैं मेरे लिए तो दुनिया कयामत बन गई है, तुझे क्या पता उस दिन का जिस दिन 50,000 साल का एक दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, सूरज नेजे के बराबर, हवाई बातें नहीं है। ये ना सोचो किसने देखी है, देखने वाले देख भी आए। मुखबरे सादिक अलैहिस्सलाम ने आके इतला दी है कि जहन्नम का अज़ाब ऐसा है, हमने कुछ नहीं देखा। जरूरी नहीं है कि हर बात को देख के माना जाए, हमने जिसको देखा है उसने सब कुछ सब कुछ देखा है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह के बाद एक बंदा आया, कहने लगा मुझे अपना रब दिखाओ, मैं मानूंगा। उन्हें पकड़ा, बाहर ले गए, कह सूरज को देखो। थोड़ी देर सूरज को देखा, कहने लगा मैं तो इसको नहीं देख सकता, मेरी तो आंखें जलती हैं। उन्होंने कहा फिर दफा हो जाओ, मेरे रब के बनाए सूरज को तुम नहीं देख सकते, मेरे रब को कैसे देख सकते हो? ला तुद्रिकुल अब्सार वह युद्ध, हम अल्लाह के दीदार के मुश्ताक हैं। हमारी इबादत का खुलासा और मकसद और लालच यही है कि हम रब्बुल जलाल का दीदार करना चाहते हैं। आप करेंगे नहीं करेंगे? तो फिर ये दाढ़ी कौन रखेगा? दाढ़ी का सवाल किससे करें? क्या आप दाढ़ी कटवाने से इस बड़े अजीम गुनाह से अभी नहीं थके? अगर आप थक गए हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के साथ प्यार करें, नफरत ना करें। ऐसा ना हो कि रब्बुल जलाल तुमसे मुतनफिर हो जाए। नबी की अदाओं से प्यार करो, नबी की सुन्नतों से प्यार करो। इस दाढ़ी के साथ बड़ी ज्यादती की, कहते हैं मुझे इस बंदे से मेल जोल पसंद नहीं है। बेटा इसका ख्याल रखना, इसकी औलाद के करीब ना जाना, इस दरवाजे के करीब नहीं जाना। भी जो चीज तुझे पसंद नहीं है तू उसके करीब नहीं जाता। क्या नबी अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सुन्नत भी तुझे पसंद नहीं है इसलिए करीब नहीं जाता? क्या दाढ़ी से इज्जत नहीं मिली? इन उलमा से पूछो, क्या हमें दाढ़ी ने इज्जत नहीं दी? क्या बातिन तुमने हमारा खोल के देखा है? हमें जो भी इज्जत मिली है जाहिर दाढ़ी की वजह से मिली है। इन लोगों से पूछो ये सामने दाढ़ी वाले बैठे हैं कि हमें इस दाढ़ी ने कितनी इज्जत और कितनी गुनाहों से बचा रखा है। एक अमल है गुनाहों से बचने का तो दाढ़ी रखो, गुनाहों से दाढ़ी बचा लेती है। और जो दाढ़ी नहीं रखते इसका मकसद है वो गुनाह नहीं छोड़ना चाहते। तो मैं चाहता हूं मजमा बड़ा है, इसमें से एक बंदा खड़ा होकर कह दे जो आज के बाद जवान हो, दर जवानी तौबा करदन शेवा ए पैगंबरी, आज के बाद मैं नबी अलैहिस्सलाम को खुश करूंगा और दाढ़ी अपने चेहरे से नहीं कटवाऊंगा। एक बंदा खड़ा हो, हाथ खड़ा करे, जरूरी नहीं है। माशाल्लाह एक ये हो गया, और एक तो मैंने मांगा है, आप भी और मजमे में कहे जो मैं आज के बाद, दूसरा खड़ा हो गया सुभान अल्लाह, तीसरा थोड़े और भी उठे, चौथा बुजुर्ग भी, अल्लाह अल्लाह मेरा अल्लाह कबूल फरमा, इनको इज्जत अता फरमा। आप ये ना समझे जो उठेंगे ये पक्के मुसलमान हैं, ये भी पक्के मुसलमान हैं, जो नहीं उठे वो भी पक्के मुसलमान हैं। मैं उनसे भी इल्तजा करता हूं, अल्लाह आपको तौफीक देगा, हाथ तो खड़े कर ले,
तौफीक तो अल्लाह देने वाला है ना, देगा या नहीं देगा। एक बंदे ने अगले दिन मुझे दाढ़ी दिखाई, कहते आपने हाथ खड़े नहीं करवाए थे, लेकिन मेरे दिल में फैसला हो गया था कि मैं भी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। अगले दिन जलालपुर के इलाके में अब्दुल गफूर साहब बैठे हैं, पूछे एक बंदा मुझे जलसे से पहले मिलने आया। मैंने कहा पहले मिलने क्यों आए हो? उन्होंने कहा हम आपसे बैत हैं, पहले मिलने के लिए इसलिए आया हूँ, फिर जब आपके बयान में बैठते हैं तो फिर आप हाथ खड़े करवाते हैं दाढ़ी के लिए। मैंने कहा यह गुनाह का काम है जो मैं तेरे से करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अरसे में कई लाख इंसानों ने दाढ़ी रखी है, उसमें बड़े बड़े लोग भी हैं, छोटे छोटे लोग भी हैं, उनके चेहरे तो देखो जिन्होंने दाढ़ियाँ रखी हैं। भाई जाहिर तुम बनाओ, बातिन मेरा मौला बना देगा। तौबा करें या ना करें हर गुनाह की, मैं तौबा के कलिमात पढ़ता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा गुनहगार हूँ। मैं दिन में कई कई बार भी तौबा करता हूँ, मजमे में भी करता हूँ, तन्हाई में भी। आप भी मेरे साथ मिलके तौबा कर लेंगे, हम दोनों एक दूसरे की तौबा के गवाह बन जाएंगे। वैसे तो रब्बे ज़ुल जलाल खुद ही हमारे गवाह हैं, मलाइका भी गवाह हैं। लिहाजा मैं तौबा की तलकीन करके जाऊंगा ताकि आपको फिर तौबा की आदत पड़ जाए। जैसे कहते हैं मदीना मुनव्वरा में 40 नमाजें पढ़ो लगातार तकबीर उला के साथ, ताकि तुम्हें नमाज तकबीर उला के साथ मस्जिद में पढ़ने की आदत बन जाए। ये आदत के लिए आमाल होते हैं। तो तौबा के कलिमात हैं, इज्तिमाई हैं, पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई हजरात सिलसिला नक्शबंदिया में बैत होना चाहते हैं, या हमसे पहले भी लोग काफ़ी बैत हैं बैठे हैं, तो वो तजदीद की नियत फरमा लें। जो बैत होना चाहते हैं वो नियत फरमा लें। जो किसी और बुजुर्ग से बैत हैं उनकी बैत नहीं टूटेगी। नक्शबंदी सिलसिला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह तआला, रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت। يا الله मेरी तौबा है शिर्क से, कुफ्र से, बिदअत से, चोरी से, झूठ से, जिना से, गीबत से, हर गुनाह से। يا الله मेरी तौबा कबूल फरमा। اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله। मुबारक हो। मैं तमाम बड़ों को छोटों को मुबारक दे के जाता हूँ कि मैंने आपकी और अपने आप की अल्लाह से सुलह कर ली है, रूठे रब को मना लिया है। हमारे सच्चे रब ने, रहीम करीम रब ने हमारे ऊपर करम फरमाया और हमारी तौबा को कबूल भी फरमा लिया है। शक की गुंजाइश नहीं होती, लिहाजा शक गुनाह होता है। पक इसलिए है कि मेरे आका का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे ज़िंदगी में इसने कभी कोई गुनाह न किया हो। फिर भी गुनाह हो जाए फिर तौबा करो, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करो, फिर हो जाए फिर करो, फिर हो जाए फिर तौबा करो। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि बंदा तौबा करना छोड़ जाएगा, रब्बे करीम अपने बंदों को माफ़ करना नहीं छोड़ेंगे। फजर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ की तस्बीह, ज़ोहर की नमाज के बाद तीसरे कलमे शरीफ की, असर की नमाज के बाद पहले कलमे शरीफ की, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाहु अल्लाह ज़िक्रुल्लाह की, इशा की नमाज के बाद इस्तग़फ़ार। और ये है तकवा और परहेजगारी वाली ज़िंदगी अख्तियार करें। अक्ल हलाल और सिद्ध के मकाल, सच बोले, हलाल खाएं चाहे बंदे की जान ही क्यों ना निकल जाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।